अरे नटुन टुन बाबा, ये दो ब नाम के व्यक्ति का कुछ समझ में नहीं है, ये क्या आप बोल रहे हैं? कुछ समझने की जरूरत नहीं बालक, अलौकिक शक्ति पे भरोसा रखो, आवेगा मतलब आवेगा। आप पर नहीं आया तो तुम्हें ये दाढ़ी मूछ कपड़े सब त्याग दूंगा और पैंट शर्ट पहन के संसार में आ जाऊंगा। नहीं नहीं बाबा जी, आपको संसार में वापस आने की जरूरत नहीं है। अय्यर तुम क्यों इतना निगेटिव बोल रहे हो? क्या अय्यर भाई, आप भी सकारात्मक सवाल है। अरे हाँ ले, मैं जानते पूछा है। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि मेरे सकारात्मक को लेकर कौन गया है? तो सुन बालक, तेरे सखाराम की ग्रह दशा अभी ठीक नहीं चल रही है। उसकी कुंडली में थारा वियोग लिखा था तो वियोग आया, फिर भी याद रख बालक, थारो सखाराम आज दोपहर को 3:12 को आज आवेगो, मतलब आज आवेगो। बराबर आ गया, वापस आ रहा है ना, वो मैंने ना। और अगर कुछ ज्यादा सवाल पूछा तो थन्ने और थारे सखाराम को और तकलीफ आ जाएगी। बाबा जी ने 3:12 की बात कही है, लेकिन 3:12 तो हो गए, अभी तक सखाराम आया नहीं। अरे अभी 40 बाकी है यार भाई। अभी आ गया आपका बाबा, आपका पूरा यकीन है ना कि दो ब नाम के व्यक्ति सखाराम को लेके आ जाएंगे? तर्क वितर्क करेगो तो जला कर भस्म कर दूंगा। अरे अब 3:12 होने में सिर्फ 15 सेकंड बाकी है। 5, 4, 3, 2, 1। हे भगवान, मेरी लाज रखना, सखाराम टाइम सर आ जाए ऐसा करना। बाबा जी, सखाराम कब आएगा? आज आवेगो, आज आवेगो। बाबा 3:12 तो हो गए, कहाँ है सखाराम? चुप, बोला ना आवेगो, आवेगो। अरे बोला ना आवेगो। अरे यार भाई क्या कर रहे हैं आप? बोला ना बाबा ने आएगा तो आ जाएगा, है ना? गया।
क्या हुआ तुझे, क्या हुआ सकरम? हाँ हाँ बोल बोल सकरम बोल। कुछ नहीं, अब तू घर में आ गया, कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा। बागा बावरी थैंक यू वेरी मच, आप मेरा सकरम वापस लेकर आ गए। इट्स ओके बीड़े भाई। अरे ये टून बाबा की बात तो सच निकली। बागा भाई और बावड़ी का नाम बस से शुरू होता है और वही लोग सकरम को लेके आए हैं। देखो बाबा ने कहा और बाबा स्कूटर लेके आए। बागा बावरी बाबा। टून बाबा की जय। टून बाबा की जय। टून बाबा जी। बाबा जी, बाबा जी कुठे गेले? तो यहाँ पे थे। अरे बाबा जी, कहाँ चले गए? बाबा जी है उधर? नहीं कहीं भी दिख नहीं रहे। कमाल है, कहाँ चले गए बाबा जी? अचानक अभी तो यही थे। अचानक बाबा जी कहाँ गायब हो गए? हम तो थैंक्स भी नहीं बोल पाए। अरे ये सवाल ही नहीं करना चाहिए भाई, ऐसे लोग दिव्य होते हैं, अलौकिक शक्तियों के मालिक होते हैं। कब अवतरित होते हैं, कब अंतर ध्यान हो जाते हैं, ये तो वो स्वयं ही जाने। आए थे निस्वार्थ भाव से अपना काम करने, काम किया और चल दिए। ये बात है। तो बोलो टून बाबा की जय। बाबा की जय। देखो तो सखाराम कितना चमक रहा है, एकदम नए जैसा लग रहा है। हेडलाइट भी एकदम नहीं लगाई है। पूरी बात तो सुनो यार, हेडलाइट भी एकदम नहीं लगाई है ऐसा लगता है। हाँ लेकिन ये सखाराम बागा बावरी को कहाँ से मिला? वो अय्यर भाई, बाहर जो आइसक्रीम की दुकान है ना, सखाराम वहीं खड़ा था। अच्छा बोलो। हाँ करेक्ट है, हमने सब जगह देखा लेकिन बाहर नहीं गए ना हम लोग देखने के लिए। हाँ लेकिन ये सखाराम को लेकर कौन गया था? अरे अय्यर भाई कोई भी ले गया हो हमें क्या, मेन बात है कि सखाराम वापस मिल गया। अरे आज के जमाने में घर में खोई हुई चीज नहीं मिलती है, तो ये तो बाबा जी की कृपा से जमाने में खोया हुआ सकाराम हमको वापस मिल गया। मेन बात तो ये है ना भिड़े? हाँ बिल्कुल, मुझे कुछ नहीं जानना है, कौन किसने कब कहाँ, मुझे किसी को कुछ नहीं पूछना है। मेरे लिए मेरा सकाराम मिल गया यही बहुत है। बागा पावरी वन सेकेंड, आप दोनों को बहुत बहुत थैंक यू। इट्स ओके भिड़े भाई, इट्स ओके। बावरी जी चलिए चलते हैं, सबको बहुत दिनों बाद मिले हैं तो थोड़ी देर रुकते हैं ना। हाँ बागा इतनी जल्दी गए? नहीं बराबर है बावरी जी, लेकिन क्या है हमें अभी फिल्म देखने जाना है ना, तो चलिए चलते हैं। अरे हाँ मैं तो भूल ही गई, मैं चलती हूँ, बाय। दोस्त सखाराम वापस आ गया, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। हाँ हाँ जेठालाल थैंक यू वेरी मच, आप सबको भी थैंक यू, और मेरी वजह से सबको जो तकलीफ हुई उसके लिए। अरे अरे इसमें तकलीफ क्या है? नहीं नहीं मैं जानता हूँ कि मैंने कैसा बर्ताव किया है। अभी सखाराम आ गया ना तो मेरा दिमाग थोड़ा शांत हुआ है, वरना मैं पागलों की तरह बर्ताव कर रहा था। मैंने सबको भागदौड़ करवाई, सबको भला बुरा कहा, इसलिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आप सबसे माफी मांगता हूं। अरे नहीं नहीं भिंडी मास्टर, तू माफी क्यों मांग रहा है भाई? अरे जो परिस्थिति थी उसमें ये सब होना स्वाभाविक है। सही बात है। बराबर है चाचा जी, लेकिन मुझे मेरी भावनाओं पर काबू रखना चाहिए था जो मैंने नहीं रखा।
जेठालाल थोड़ी हाथी भाई मेहता साहब, मैंने आप सबसे ऊंची आवाज में बात की, आई एम रियली सॉरी। और पोपटलाल खासकर तुम्हें सॉरी भाई, मैंने तुम्हें श्राप दे दिया, आई एम रियली सॉरी। नहीं 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 बेटे, मैं तेरी स्थिति समझ सकता हूँ। टप्पू बेटा, मेहता साहब बच गए, किसी को कोई शक नहीं हुआ। कुल मिला के हमारी भागदौड़ और मेहनत रंग लाई है। बस एक बात है, नटू काका ने भी कमाल का काम किया। थैंक यू। तुमने सिखाया क्या उनको? अरे भाई, उनको बाबा बनने का आइडिया मेरा ही था ना। टप्पू बेटा, आई एम रियली सॉरी, आज सबसे ज्यादा मैंने तुम पर शक किया, तुम्हें अनाप शनाप कहा, तुम्हें बहुत परेशान किया मैंने बेटा, प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे अरे भिड़े दोस्त, क्या कर रहा है तू? टप्पू सेना का शिक्षक है, तुझे इनकी माफी मांगने की जरूरत नहीं है दोस्त। हाँ हाँ, जरूरत है जेठालाल, जरूरत है, शिक्षक भी आखिर एक इंसान ही होता है ना, और गलती तो इंसान से ही होती है। इन्हें गलती की है तो माफी मांगना मेरा फर्ज है, माफी मांगने से मैं छोटा नहीं बन जाऊंगा, लेकिन गलती करने के बाद भी अगर मैंने माफी नहीं मांगी ना, तो मैं अपने आप से नजर कभी नहीं मिला पाऊंगा। अंदर ही अंदर जूझता रहूंगा, और फिर मैंने टप्पू सेना को सिखाया है कि गलती का बोझ लेकर नहीं चलना चाहिए, माफी मांगने से डरना नहीं चाहिए, और आज मैंने गलती की है, और अगर मेरे माफी नहीं मांगी तो मेरी सिखाई हुई बात गलत साबित हो जाएगी ना, इसलिए टप्पू। अरे टप्पू, गोली गोगी, तुम लोग नीचे क्यों बैठ गए? उठो बेटा उठो। बेटे अंकल, हम आपके गुनहगार हैं। क्या मतलब? तू क्या बोल रहा है टप्पू? वही जो सच है दादाजी, जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी गलती की वजह से हुआ है। गलती? गलती? तुम्हारी कौन सी गलती? भिड़े अंकल, पिछले दो दिनों से सखाराम के साथ जो हो रहा है वो आपका वहम नहीं था। What? पिछले दो दिन से हम लोग मैच देखने नहीं जा रहे थे। हम आप सबसे छुप कर झूठ बोलकर सकाराम को सोसाइटी से बाहर ले जाते थे, और बागा अंकल और बावरी दीदी से ड्राइविंग सीखते थे। काय? तुम लोग सकाराम चलाना सीख रहे थे? हाँ दादाजी, हमें लगा कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और पूरा प्लान तैयार था, और हम प्लान को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते रहे। प्लान? कैसा प्लान? हमने भिड़े अंकल के घर से सकाराम की चाबी चुराई, और फिर सकाराम की डुप्लीकेट चाबी बनवाई। ये लो बच्चों, हमारी चाबी बन गई, ये ओरिजिनल वाली और ये डुप्लीकेट वाली। What? अरे? मम्मी पापा से झूठ बोलकर मैच देखने का प्लान बनाया। हम हमारे पेरेंट्स से ऐसा कहेंगे कि हम आज रात से गांधी मैदान में नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट देखने जाएंगे। बेबी? और फिर जैसे ही सब सो जाते थे, हम लोग सकाराम को छुपके उसे सोसाइटी से बाहर लेकर जाते थे। कोकी आई सूप किटू। पहले तो हमें बहुत मजा आया, पर जब सुबह अपने सकाराम पर कीचड़ देखा, बड़े हुए किलोमीटर देखे, पेट्रोल कम देखा, और रात भर जाकर सकाराम पर नजर रखने की बात की, हमें तब भी समझ जाना चाहिए था, रुक जाना चाहिए था, पर हम नहीं रुके, उल्टा हमने और प्लानिंग की। वो सेल्समैन से गेंदा चाप हेलीकॉप्टर आयुर्वेदिक तेल खरीद के
हमने ही माधवी आंटी को दिया था ताकि वो आपके सिर पे मालिश करे और अब सो जाए। और अब सच में सो गए, तुम खुश हो गए और सकाराम को सोसाइटी से बाहर लेके गए। ऑलमोस्ट हम स्कूटर चलाना सीख गए थे, हमें बहुत मजा भी आ रहा था, पर झूठ तो झूठ होता है ना दादाजी। और कल जब हम सकाराम चलाना सीख रहे थे तब अचानक मतलब सकाराम का एक्सीडेंट हुआ है? हाँ मम्मी, जैसे ही एक्सीडेंट हो गया हम सब बहुत डर गए थे। फिर टप्पू ने मेहता अंकल को कॉल किया। आप बस जल्द से जल्द पापा सोडी अंकल और हाथी अंकल को लेकर पटेल नगर में जो राधेश्याम टी स्टॉल है ना वहाँ आ जाइए। हाथी राम सोडी मैं तो जल्दी आ, तुम लोग भी। हाँ चाचा जी, गलती हमारी भी है, बल्कि गलती हमारी ज्यादा है। कहाँ पर? लेकिन क्या करते हम लोग, बच्चों का जैसे ही हमारे पास फोन आया और हम वहां गए तो स्कूटर को देखते ही हमारे होश उड़ गए। बच्चे नु बहुत गुस्सा किया, बहुत डांटा, की कर सकते सी, जो होना था वो तो हो चुका। और जैसे मेहता साहब ने बताया कि वो सकाराम की हालत देख के हम सब इतने डर गए थे, और हम सबके मन में सबसे पहला ख्याल तेरा ही आया कि ये देख के तुझ पे क्या बीतेगी। इसलिए रातों रात हम लोग सकाराम को रिपेयर करने के लिए छोटी के दोस्त हरप्रीत के गैराज में छोड़ के आए। आप फिक्र मत करो, कल दोपहर में 2 बजे तक आपको स्कूटर मिल जाएगा। अच्छा, इसलिए सुबह हरप्रीत प्राजी का फोन आया था, और मतलब वो जो सुबह स्कूटर की बात कर रहा था वो अपना सकाराम था। हाँ सोनिया, सारी रात इस सस्पेंस में बीती कि क्या होगा, क्या करेंगे, कैसे संभालेंगे तुझे। और फिर सुबह उठते ही तू सकाराम को नहीं देखता तो तू हंगामा कर देता सोसाइटी में, इसलिए तुझे संभालने की जिम्मेदारी मुझ पर थी। और सुबह अचानक पता चला कि तू लोनावाला वाटर पार्क जा रहा है, मैं टेंशन में घर से बाहर आया तो मैंने गाड़ी को जाते हुए देखा, मुझे लगा कि तू गाड़ी में ही होगा, तू भी लोनावाला वाटर पार्क चला गया, मुझे क्या मालूम था कि तू नहीं गया है। और जैसे ही तू हम लोगों के सामने आया हम सब लोग डर गए, इसीलिए हमने फिर दोस्त का टोपला पोपट लाल पे डाल दिया, क्योंकि हमको पता था वो 2 बजे आने वाला है, 2 बजे तक तो सकाराम वापस आ जाने वाला था, लेकिन ये पोपट लाल ने जल्दी आकर सब गड़बड़ कर दी। और जब हम पुलिस स्टेशन के लिए निकले तब जेठालाल और सोडी ने मुझे सारी बात बताई। अब सकाराम के मिलने तक तुझे शांत रखना था, इसलिए न चाहते हुए भी मैंने इनका साथ दिया। और जेठा वो टून बाबा? हाँ वो, वो और कोई नहीं हमारे नट्टू काका थे। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। चाचा जी मैंने बोला था ना मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहा है, ये षड्यंत्र ही था। नहीं नहीं बिड़ंकल, षड्यंत्र नहीं रचा था हमने, ये सब अपने यहाँ होता गया। हमें तो पता ही नहीं चला कि कब हम झूठ के दलदल में फंसते गए। शुरुआत झूठ से की थी तो झूठ बोलते गए बचते गए, बोलते गए बचते गए, पर हम ये भूल गए थे कि झूठ झूठ होता है और उसकी कोई ताकत नहीं होती। हमने आपको कुछ बताया नहीं होता तो शायद आपको कुछ पता भी नहीं चलता। हाँ, हम आसानी से बच जाते। और बीड़े अंकल, आप ही ने सिखाया ना, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है। तो हम आपकी सीख, आपकी पढ़ाई, हमारे मम्मी पापा के और दादाजी के संस्कारों को कैसे हारने देते।
मित्रों सखाराम लौट आया, लेकिन साथ लाया है बहुत सारे सवाल और एक सीख भी। कहते हैं पश्चाताप एक ऐसा झरना है जिसमें सारी गलतियां धुल जाती है। अब देखिए ना, मैं जेठालाल सोढ़ी और डॉक्टर हाथी सुबह से टपू सेना की जो गलती छुपाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, आप तांडव कहिए, नाटक कहिए, ड्रामा कहिए, झूठ कहिए, कुछ भी कहिए, हमने सब कुछ किया ताकि ये गलती छुपी रह सके। गलती छुप भी जाती, ये गलती हमेशा के लिए एक राज बनी रह जाती, लेकिन उस वक्त टपू ने गलती स्वीकार करके सच बोल के एक बार फिर से सच्चाई की ताकत का एहसास हमें कराया। और मित्रों जो टपू ने टपू सेना ने किया है वो करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। झूठ के पांव नहीं होते, झूठ का कोई अंत नहीं होता, झूठ तब तक ही झूठ है जब तक आप सच को स्वीकार न कर लें। लेकिन सबसे बड़ी बात के गलती स्वीकार करने के बाद आप भिड़े क्या करेगा, गोकुलधाम निवासी कैसे रिएक्ट करेंगे और चंपक चाचा क्या करेंगे, और सबसे बड़ी बात हमारा क्या होगा, क्योंकि इस गलती में मैं जेठालाल सोढ़ी और डॉक्टर हाथी भी बराबर के हिस्सेदार हैं। चलिए हम भी माफी मांग लेंगे, लेकिन क्या यही तरीका है, गलती कीजिए, माफी मांगिए, आगे बढ़ जाइए, ये तो ठीक नहीं। और आप जानते हैं कि भिड़े शिक्षक इसलिए सजा जरूर देगा, तो क्या होगी भिड़े की सजा, क्या करेंगे चंपक चाचा और क्या होने वाला है टपू सेना और हमारा, ये जानने के लिए बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। मैं जानता हूँ मामला थोड़ा गंभीर है, लेकिन हंसी के साथ देखते रहिए हंसते रहिए। मुझे एक बात बताओ, ये तुम लोग के दिमाग में सखाराम सीखने का ख्याल अचानक कहाँ से आया? नहीं दादाजी, ये आइडिया हमें अचानक नहीं आया, वो उस दिन जब रिक्शा और टैक्सी की हड़ताल हुई थी तब आपको श्यामजी दादा से मिलने जाने में परेशानी हुई थी और बबीता आंटी की फ्लाइट भी मिस हो गई थी, तब हमें बहुत बुरा लगा कि हम इनकी कोई मदद नहीं कर पाए। सकाराम यही सामने खड़ा था और हम कुछ नहीं कर पाए। और अगर ड्राइविंग आती तो बबीता आंटी और दादाजी को जहां जाना होता हम उनको छोड़ के आते। जरूरत पड़ने पर हम सबके काम आ सके इसलिए हम स्कूटर चलाना सीखना चाहते थे, इसलिए हमने ये सब कुछ किया, पर हमें पता नहीं था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। देखिए मुझे लगता है कि बच्चों ने सबकी हेल्प करने के लिए ये सब किया है। भले किसी की मदद करने के लिए किया लेकिन झूठ झूठ होता है। चाचा जी की बात एकदम सही है टपू सेना, इतना झूठ बोलने के बजाय ये सारी बात आप सुबह भी तो बता सकते थे। हाँ बेबी। अंजलि आंटी, हम सुबह बहुत डर गए थे, अगर हम सच बता देते तो हम सबके पापा सबके सामने गलत साबित होते, इसलिए हमने कुछ नहीं कहा। और भीड़ अंकल, बच्चों की वजह से अगर उनके पेरेंट्स को झूठ बोलना पड़े तो वो भी गलत बात है ना, हम आपके गुनहगार हैं और हमारे पापा ने जो कुछ भी किया है सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से किया है। भीड़ अंकल, आप हमें जो सजा देंगे हमें मंजूर है। बिल्ली मास्टर, कड़ी से कड़ी सजा देना इन लोगों। हाँ, टप्पू सेना को सजा मिलनी ही चाहिए, इतनी बड़ी गलती हम माफ नहीं कर सकते। मिलेगी, तुम तीनों को सजा मिलेगी। तुम लोगों ने मंजिल सही चुनी थी लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता गलत चुना था। मैं मानता हूं कि तुम लोगों ने जो भी किया उसके पीछे एक अच्छा विचार था, लेकिन क्या तुम तीनों ये नहीं जानते कि बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना अपराध है? एक्सीडेंट में सखाराम को नुकसान हुआ लेकिन वो ठीक होकर आ भी गया। अरे वो तो एक मशीन है। लेकिन भगवान ना करे अगर तुम तीनों में से किसी को कुछ हो जाता तो हाँ क्या हाल होता तुम्हारे माँ बाप का? इसके बारे में सोचा तुम लोगों ने? और जरूरी नहीं है कि एक्सीडेंट में गलती हमारी हो, सामने वाले की भी हो सकती है, और अगर सामने वाले की गलती की वजह से किसी को कुछ नुकसान हो जाता, किसी की जान चली जाती तो क्या करते आप लोग? आप लोग को सजा मिलनी ही चाहिए। मैं जानता हूं कि तुम लोगों को दुख हुआ है, पश्चाताप हुआ है, लेकिन
उससे गलती कम नहीं हो जाती, इसलिए सजा तो मिलेगी। और तुम लोग की सजा यह है आजकल सोशल मीडिया का जमाना है ना, और तुम लोग एक दूसरे को ऐसे मैसेज फॉरवर्ड करते रहते हो, तो अभी तुम तीनों मोबाइल में एक वीडियो रिकॉर्ड करोगे, उसमें तुम लोग कहोगे कि तुम लोगों से गलती हुई है, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के तुमने ड्राइव किया है और ये करना गुनाह है, अपराध है, और हम लोग ऐसा आगे से कभी नहीं करेंगे, और इस वीडियो को तुम्हें सोशल मीडिया पे वायरल करना है, ये होगी तुम लोग की सजा। क्या बात है भिड़े, वाह वाह वाह, तूने एक सच्चे शिक्षक होने का उदाहरण दिया है भिड़े, कड़वी से कड़वी सजा भी दे दी, वो भी शहद में डुबोगे, क्या बात है। और पिडू ने तो वो कर दिखाया जिसमें सजा भी मिल गई और माफ भी कर दिया। सही बात है, 2-in-1। वाह बिल्ली मास्टर वाह, किसी ने सच ही कहा है कि एक शिक्षक में माँ का अंश होता है, जो बच्चों के भविष्य के बारे में अच्छा सोचता भी है और गलती होने पर उसे फटकारता भी। बिल्कुल बिल्ली मास्टर, तू एक अच्छा और सच्चा शिक्षक। यस यस, थैंक यू चाचा जी। बापू जी, हाँ बिल अंकल, आपने हमें जो भी सजा दी है उसका पालन जरूर होगा। We love you, बिड़े अंकल। अरे उठो उठो बेटा, उठो उठो उठो। I love you, टप्पू सेना। गोळ्या तू तर लाडत झाला एकदम। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी टप्पू, इतने टेंशन के समय पे मैंने तुम्हें जो दो सवाल पूछे थे उसके जो तुमने जवाब दिए बड़ी होशियारी से दिए, मतलब झूठ भी नहीं बोला और सच का भी पता नहीं चलने दिया। हाँ अंकल, मैंने नरोवा कुंजरोवा जैसा किया। ओ, आप कितने भी होशियार रहो, अलर्ट रहो, लेकिन सच सच होता है और झूठ झूठ। अगर मैं आपको ये सब नहीं बताता तो मैं आपसे, दादाजी से, अपने आप से नजरें नहीं मिला पाता। और आपका झूठ कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, सच्चाई के सामने उसकी स्मार्टनेस जीरो हो जाती है। करेक्ट, सही बात है। और भिड़े, एक सच ये भी है कि गलती हमारी भी है, तो हम सबको भी माफ कर दे। भाई कान पकड़ो, भाई कान पकड़ो। माफ कर दो भाई, सॉरी पिडू। ओह पोपटलाल, तुमने एक कान क्यों पकड़ा है? भाई मैं बाद में ज्वाइन हुआ था ना। ये दोनों कान पकड़ो, दोनों कान पकड़ो। हाँ लेकिन तुम लोग को ऐसे ही माफी नहीं मिलने वाली है, तुम लोग का तो अलग से हिसाब करूंगा मैं। ओ कर ला यारा, जो हिसाब किताब करना कर ला है, और तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। पिडू, 3 चीयर्स फॉर बिड अंकल। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, और इसी तरह अगर मुंह भी मीठा हो जाता तो। अरे बिल्कुल बिल्कुल होगा ही, और करना ही चाहिए मुंह मीठा। हाथी भाई, आज हमारे भिड़े का सखरम वापस मिल जो गया है, और सुबह ही मैंने बोला था ना कि आज हम लोग रस पूरी खाते हैं। तो दोस्तों, आज अभी जेठालाल चंपकलाल गड़ा की ओर से सबके लिए रसपुरी का जलसा। आइए आइए आइए, हाँ ये देखिए सब तैयारी हो गई है। चलो
लोग भी सब आ गए तो खाना शुरू करते हैं। अरे भाई सखाराम को ढूंढते ढूंढते हालत खराब हो गई तो अब तो बड़ा मजा आएगा खाने का। सही बात है। क्या बात है जेठा जी, यहाँ पे प्रिपरेशन तो बहुत अच्छा है, मानना पड़ेगा। आपने अपना प्रॉमिस निभाया। अरे बबीता जी मैं कच्ची मारू हूँ, एक बार जबान दे दी तो दे दी। मानना पड़ेगा जेठा भाई, आपने जुबान तो सिर्फ रस पूरी की दी थी लेकिन यहाँ तो बहुत सारी वैरायटीज नजर आ रही है। क्या क्या मंगाया है? अरे एक से एक जबरदस्त आइटम। आई आइए दिखाता हूँ। ये देखिए, इधर सबसे पहले है गर्मा गर्म पूरी, ये है सैंडविच ढोकड़ा, ये सूखी सब्जी, ये सोडी तेरे लिए खास पनीर मंगाया है। अरे जेठा भ्रात, उसे तो दिल खुश कर देता। और ये है दाल, और इसके बाजू में है भात यानी के राइस। और सबसे मेन चीज आमरस। अरे सब कुछ है लेकिन जो मेन चीज का तुमने जबान दिया था वो आमरस किधर है? क्या भाई आमरस कहाँ है? पता नहीं। पता नहीं है का क्या मतलब है भाई? आप तो कैटरिंग वाले हैं, आपको तो पता होना चाहिए कहाँ है आमरस। अरे सुबह से सखाराम ढूंढ रहे थे, अभी आमरस ढूंढो। ये आयोजन बराबर नहीं है, आज हमारे नसीब में ढूंढा ढूंढी लिखी है। डॉक्टर आदि, मेरे को लगता है जेठालाल ने आमरस का सिर्फ जबान दिया है, उसी जबान से आमरस मंगवाना भूल गया। जेठा भाई बिना आमरस के तो। अरे नहीं भाई, मैंने तो आमरस ही बोला था। आदि भाई मैं अभी फोन करता हूँ। सेठ जी फोन करने की जरूरत नहीं है, आमरस यहाँ है। हाँ? ये रहा। वेलकम आज के नंबर वन एक्टर टुन बाबा। क्या लड्डू, टुन बाबा है? सॉरी सॉरी सेठ जी, चौंका दिया ना, मैंने आम रस जानबूझकर छुपा दिया था। क्यों नट्टू काका? हाँ क्या है सेठ जी, जब भूख बढ़ती है ना उसके बाद खाने का मजा और आता है। हाँ अभी आमरस आप लोगों को और मीठा लगेगा। अरे बागा अभी उसको रख तो दे भाई, कहीं हाथ से छटक गया तो ऊपर दी। और चलिए चलिए अब जल्दी से आमरस खाते हैं, भूख को इतना नहीं बढ़ाते हैं कि भूख ही मर जाए। चलो फाइनली खाना शुरू करते हैं, सब लाइन में आ जाइए। चलिए भाई मैं लाइन में आ गया हूँ, आप सब लोग मेरे पीछे आ जाइए। अरे ओ पोपटलाल, तुम क्या अपने आप को अमिताभ बच्चन समझते हो? हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। वाह जेठा भ्राव, वाह मस्त डायलॉग मारा। और पोपू ओ पिड़ू को शुरुआत करने दे, उसका सखराम क्यों आया यार? नहीं नहीं नहीं, मेरे ख्याल से सबसे पहले चाचा जी आप शुरू कीजिए। नहीं नहीं, पहले महिलाएं फिर बच्चे फिर हम सब लोग खाएंगे। हैं कोमल बेटा, अंजलि बेटा, तुम लोग शुरू करो। थैंक यू चाचा जी, पर पहले बच्चों को खा लेने देते हैं। चलो बेबी शुरू करो। अगर गोली ने शुरुआत की ना तो हमें से किसी को भी आमरस नहीं मिलेगा। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत आमरस है, जिसको जितनी वाटी पीना है पीना आज है, कोई टेंशन नहीं है। आइए बाबू जी आपके शुभ हाथों से शुरू कीजिए। बहुत भूख लगी है चाचा जी, शुरुआत कीजिए। सही बात है। मेरे दिल से फोन है। हेलो बापू जी, सब आयोजन बढ़िया है ना, फर्स्ट क्लास एकदम खाना। बापू जी का मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा है। नहीं जेठालाल, भूख से थोड़े अनमने हो गए होंगे,
और वैसे भी आमरस के आगे कहाँ कोई कोई बात करता है भाई। लो तुम ले नहीं दे कुछ। हाँ मैं बस आप लो मैं लेता हूँ। आ जाओ लेके आ जाओ। हाँ ये क्या बावरी प्लेट वाटी चम्मच सब खा गई? नहीं नहीं सेठ जी। तो उसकी प्लेट कहाँ है? मैंने दी थी उसके हाथ में एक प्लेट। उन्होंने ली थी सेठ जी, लेकिन फिर उन्होंने ही कहा कि बागेश्वर जी हम दोनों एक ही प्लेट में से खाएंगे। ओ ऐसे नहीं सेठ जी। लेकिन तेरी वाटी खा लिया भाई। ला 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 इधर ला इधर ला। वाह वाह हाथी भाई ये तरीका होता है आमरस खाने का। वाह 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 वाह। थैंक यू जेठा भाई। आप क्या लेके आए हैं? आमरस आमरस। एक मिनट। हाँ हाँ खत्म करो फिर मैं भरता हूँ सब। और डाल क्या कंजूसी। और भर दे भर दे पूरा भर दे पूरा भर दे। हाँ क्या और डाल भैया रुक जाइए। क्या और डाल दे प्लीज थोड़ा लिमिट में। पर आज लिमिट नहीं अंजलि। आज कोई लिमिट नहीं बिल्कुल लिमिट नहीं। आज मैं जी भर के पीऊंगा फिर दे दो मुझे बस। अरे पर तारक आपको पता है ना इसमें कितनी शुगर होती है। अरे पर नेचुरल शुगर है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल अंजलि भाभी आज मेहता सबको बख्श दो प्लीज। आज इनको रोकना मत जितनी मर्जी इनको आमरस पीने दो। और मैंने खास इनको बोला था कि इसमें कोई शक्कर मिलाना मत तो एकदम ये नेचुरल है एकदम बिना शक्कर का। जो मीठा से वो आम की मीठा से तो ये पीने से कोई वजन नहीं बढ़ेगा। अरे ठीक है अभी भूल जाओ मैंने माफ कर दिया तुम्हें। अंकल अब आपने हमें माफ कर ही दिया है तो हमारे हाथों से मुंह मीठा कीजिए ना प्लीज। हाँ कीजिए ना। अरे लेकिन मेरे पास है अमरस में खा ही रहा हूँ ना। प्लीज मेरे हाथों से मेरे हाथों से प्लीज पीजिए ना पीजिए ना। मेरे हाथ से नहीं मेरे हाथ से। मैं कैसे रह जाऊँ मेरे हाथों से भी। नहीं ये लीजिए मेरा अंकल। थैंक यू मेरा अंकल। लो। अरे ये क्या आमरस खत्म? अरे पोपटलाल ये मैं क्या देख रहा हूँ पूरी थाली खाली खाना नहीं है। अरे खाना है पर कहाँ से खाऊं? मैं फोन पे बात करने क्या चला गया आमरस खत्म। एक तो पूरी रात जगा सुबह से भिड़े के स्कूटर को ढूंढ रहा। उसने मुझ पर गलत इल्जाम लगाया वो जहर का गुड़ भी मैं पी गया। इतनी मेहनत की अभी ये मैरिज ब्यूरो से फोन आया था वहां से भी कोई आशा की किरण नहीं दी। एक वाटी भर सुख मिलने की आशा थी वो भी खत्म। ये भगवान तू मेरे साथ ऐसा क्यों करता है? मेरी शादी। अरे भाई भाई बात शादी तक मत लेके जा। और वाटी भर सुख क्या पतीला भर के सुख मौजूद है जितना मर्जी सुखी हो लो। अरे भाई दूसरा पतीला है ना पूरा वो रखो। तुम क्या यार इतना टेंशन ले रहे हो पोपटलाल? भूख लगी है। ये लाओ। ये देख। जिस तरह से तुमने मेरे लिए आमरस का प्रबंध किया है उस तरह से मेरे लिए एक जीवन साथी का प्रबंध कर दो तो मेरी लाइफ सेट हो जाए। पोपटलाल अभी तो आमरस का प्रबंध हुआ है तो उसके मजे ले लो। बाकी भगवान ने चाहा तो जीवन साथी का प्रबंध भी हो जाएगा। या वो सैंडविच ढोकड़ा बहुत मस्त है। थैंक यू जेठा भाई। अरे अरे बापू जी। हाँ। वैसे देखा जाए तो हम सब ने एक साथ मिलकर खाना काफी दिनों बाद खाया है ना? अरे ओह बापू जी। हम सब ने बहुत एंजॉय किया सो थैंक यू सो मच जेठा जी। अरे बबीता जी थैंक यू तो आपको कि आपने खाना खाया। मजा आया ने? ऑफ कोर्स बिल्कुल। बस 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 तो पैसा वसूल। मैं तो कहता हूँ ऐसी जलसा पार्टी हम सबको मिलके और नवर करनी चाहिए। नहीं नहीं बापू जी। हाँ बापू जी। हाँ चलो हम लोग चले। हाँ ओके बाय बाय। ओके थैंक यू थैंक यू। अच्छा तो सेठ जी अभी हम लोग भी चलते हैं। बाय सेठ जी। कल दुकान पर टाइम पे पहुंच जाना। सेम टू यू।
बाय बड़े बाय छोटी बाय 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 ओके ओके बाय बाय मैं वहां चले जा रहा हूं चलो चलो ओके ओके बाय। चलो भाई कुल मिला के ये सखाराम प्रकरण समाप्त हुआ। हाँ कल रात से तो टेंशन ही टेंशन था। ओ जी आप कोई टेंशन नहीं है, मौजा ही मौजा, बल्ले बल्ले। मौजी मौज। बाबूजी आपने बराबर खाया ना, मजा आया ना? हाँ अच्छा जेठिया छोटी हाथी मुझे तुम तीनों से जरा बात करनी है, तो बाद में घर पे आना। बापूजी को क्या हो गया? मुझे क्या पता, जेठालाल कोई बात करनी होगी उन्हें। पर हम तीनों को ही क्यों बुलाया? मुझे लगता है सुबह से हम लोग झूठ पे झूठ बोल रहे थे ना, और बापूजी को झूठ से सख्त नफरत है। मैंने कहा था ना मेहता साहब बापूजी मूड में नहीं है, देखा? हाँ जेठा सब बात ठीक है, लेकिन अब क्या बुलाया तो जाना तो पड़ेगा ही ना। हाँ जी हाँ, पिड़ू ने तो बच्चों को वीडियो बना के वायरल करने की सजा दे दी, हम तीनों की अभी सजा बाकी है। मतलब हम लोगों की सजा चाचा जी तय करेंगे? डांट पड़ेगी भाई, बहुत ज्यादा डांट पड़ेगी। अरे ओ पोपटलाल डराओ मत यार। चुप रहो ना बुड़बक। डांट तो पड़नी चाहिए ना जेठालाल, जिस तरह से तुमने मुझे उल्लू बनाया है उस हिसाब से तुम्हें डंडे पड़ने चाहिए। अरे भाई भीड़े, हम सब ने तेरी माफी तो मांग ली ना दोस्त, अभी और क्या करे, साष्टांग दंडवत प्रणाम करे क्या? नहीं 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 नहीं, जो भी करना है वो चाचा जी के सामने करना। मेहता साहब आप भी चलिए हमारे साथ। नहीं मैं क्यों, और वैसे भी चाचा जी ने तुम तीनों को बुलाया तो तुम तीनों जाओ, मुझे तो बुलाया भी नहीं है। भाई हम तो घर जाकर मस्त सोएंगे हैं। भिड़े अय्यर भाई, मेहता साहब चलो 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 भाई चलो। क्या मेहता साहब क्या, चलो चलो, आपको तो हमारे साथ आना मतलब आना है। सही बात है। ये क्या बात हुई जेठालाल, चाचा जी ने तुम तीनों को बुलाया तुम तीनों जाओ, मुझे नहीं बुलाया है। अरे बुलाया नहीं तो क्या हुआ, आप पराए थोड़ी है मेहता साहब, आप चलो ना भाई साथ में, इतना क्या भाव खा रहे, आप साथ में रहेंगे तो जरा हिम्मत रहेगी। सही बात है। चलो मेहता साहब अभी आप भी जा रहे तो ऑल द बेस्ट है आपको। नहीं नहीं जाना चाहिए भाई, ऑल द बेस्ट। क्या यार मुझे फंसा दिया। चलो भाई ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, जय जेठालाल। हां ऑल द बेस्ट। चलो जेठालाल हम भी चलते हैं भाई। कहां? अरे तुम्हारे घर भाई, और कहां? मुझे बहुत डर लग रहा है मेहता साहब। तो एक काम करो तुम यहीं रुको और डरते रहो, मैं अपने घर जा रहा हूँ। अरे भाई तो फिर चलो भाई चलो, तो तुम मुझे जबरदस्ती लेके जा रहे हो यार, ये बात है भाई। मित्रों आप और हम सभी चिंतित थे कि भिड़े बच्चों को क्या सजा सुनाएगा, लेकिन भिड़े ने सजा सुनाई और इस तरह से सुनाई कि बच्चों को भारी भी न पड़े और उन्हें सबक भी मिले। भाई भिड़े की समझदारी और सूझबूझ भरे इस निर्णय को सलाम। लेकिन इस वक्त जेठालाल डॉक्टर हाथी और सोड़ी के खेमे में आतंक है कि भाई चंपक चाचा क्या चाहते हैं, क्योंकि उनका रवैया बड़ा ही गंभीर लग रहा है। उन्होंने इन्हें बात करने के लिए घर पर बुलाया है, अब ये बात होगी या लात, ये जेठालाल इस वक्त सोच रहे होंगे, और ये तय है कि वो मुझे जरूर साथ लेके जाएंगे, और अगर मैं साथ गया तो जरूर फंसूंगा। मुझे तो लग रहा है कि हम लोगों ने चंपक चाचा के सामने जो झूठ बोला है शायद उसकी सजा सुनाने वाले, लेकिन क्या होगी सजा, और सबसे बड़ी बात सजा चाहे जो हो लेकिन आपके घरों में होंगे ठाके। देखना यह है कि चंपक चाचा हम सबके साथ क्या सुलूक करते हैं। आप तो हंसते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, हंसते रहिए देखते रहिए। बाबूजी ये टप्पू के पुराने खिलौने क्यों सब निकाले? बताता हूँ। अरे मैं तो तू भी आया, मैं जानता था जेठिया तुझे भी साथ जरूर लाएगा। नहीं नहीं बाबूजी मैं इनको साथ में नहीं लाया, ये अपने आप आए हैं। हाँ हाँ मैं तो खुद ही आया, मैंने कहा मैं चलता हूँ चाचा जी से मिलता हूँ। ये जेठिया बाप हूँ मैं तेरा, तू जब बोलना भी नहीं सिखा था ना, सिर्फ ब, 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 करता था ना, तब भी मैं समझ जाता था कि तू क्या कहना चाहता है। चाचा जी तुझे दस्या नहीं आपने ये खिलौने क्यों निकाले? हाँ ये सब खिलौने मैंने इसलिए निकाल के रखे हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि टप्पू सेना इन खिलौनों से खेले। चाचा जी टप्पू सेना अब इन खिलौनों से नहीं खेलेगी। क्यों क्यों नहीं खेलेंगे वो? है क्योंकि टप्पू सेना भी बड़ी हो गई है बापू जी। सही बात है। क्या कहा तूने?
फिर से बोल। टप्पू से ना अभी बड़ी हो गई है ना। यही समझाना चाहता हूँ मैं कि बच्चे अब बड़े हो गए हैं और उनके खेल और खिलौने भी बदल गए। आप क्या कहना चाह रहे हैं समझ में नहीं आया बापूजी, सॉरी। समझाता हूँ। आज जो भी भागा दौड़ी हुई, पूरी गोकुल नाम सोसाइटी परेशान हुई, आप सब उसका हिस्सा थे। लेकिन किसी ने एक बात सोची क्या, जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ? अरे टप्पू सेना ने तो गलतियां बहुत की है, लेकिन आज जो हुआ वैसा पहले कभी नहीं हुआ। सही बात है चाचा जी, टप्पू सेना ने इस बार बहुत बड़ी गलती की थी। लेकिन उसमें दोष किसका था? चाचा जी, गलती सारी टप्पू सेना की थी, इसीलिए हमने उनको खूब डांटा भी, गुस्सा भी किया। हाँ, कल रात का बहुत डांटा बापूजी हमने उनको। मैं तो टप्पू का लपड़ा भी लगाने वाला था, लेकिन फिर मेहता साहब ने मुझे रोक लिया। इतनी बड़ी गलती ये लोग कैसे कर सकते हैं? अरे टप्पू की गलती नहीं है जेठिया। ये बापूजी देखिए, हर बार आप उसकी इस तरह तरफदारी करते हैं, उसकी गलती को नजरअंदाज करते हैं ना, इसीलिए वो बिगड़ गया है। ए बाबूचक, टप्पू अगर बिगड़ गया होता ना तो अभी भीड़ के सामने अपनी गलती मानकर उससे माफी नहीं मांगता। हाँ जेठालाल, चाचा जी की ये बात बिल्कुल सही है। अरे टप्पू सेना ने सबके सामने सोसाइटी में अपनी गलती को स्वीकार किया, और सबके सामने इस तरह से सच बोलने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। ये तो है, हमारी टप्पू सेना होशियार है, संस्कारी है, गलती करके माफी मांगने की हिम्मत भी रखते हैं। टप्पू सेना अगर चाहती तो चुप भी रह सकती, किसी को सच पता नहीं चलता, लेकिन नहीं, टप्पू ने सबके गुस्से और सबकी डांट की परवाह किए बगैर सच का साथ दिया, इसलिए इसमें टप्पू या टप्पू सेना की गलती है ही नहीं। तो चाचा जी फिर गलती क्या हमारी है? अरे नहीं नहीं सॉरी, गलती तुम लोगों की भी नहीं, तुम लोगों ने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया। तो फिर गलती किसकी है चाचा जी? हाँ, उम्र की। टप्पू सेना अभी जिस उम्र में है ना, गलती उस उम्र की। मुझे एक बात बताओ कि टप्पू सेना को स्कूटर सीखने का ख्याल क्यों अभी ही आया, पहले कभी क्यों नहीं आया? क्योंकि उनकी उम्र ने उनसे ये सब करने के लिए कहा, और ये तो कुदरत का नियम है। सही बात है चाचा जी, टप्पू सेना अपने टीन एज में, और इस एज में बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से उनमें शारीरिक और मानसिक परिवर्तन आते हैं। हाँ, लेकिन इसमें वो लोग कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं तो सिर्फ आप लोग, उनके माँ बाप। सही कहा चाचा जी आपने, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। देखिए जेठालाल, सूरी डॉक्टर हाथी, आप समझिए कि बच्चों ने जो स्कूटर चलाना सीखा है, स्कूटर चुरा के, डुप्लीकेट चाबी बनवा के, इस तरह से, आप समझिए ये चेतावनी है आप लोगों के लिए, एक तरह का अलार्म है कि जाग जाइए आप लोग, जाग जाइए। क्योंकि बच्चों की वो उम्र आ गई है कि इस उम्र में बच्चों की इच्छाएं, उनकी आकांक्षाएं, उनका दृष्टिकोण, उनका चीजों को देखने का नजरिया, उनका आपसे बात करने का तरीका, उनका तर्क वितर्क सब बदलने वाले हैं। अरे दुनिया के हर माँ बाप को इस समस्या से गुजरना पड़ता है कि बच्चों को समझाए तो कैसे समझाए, क्योंकि उनकी उम्र ही ऐसी है कि उनको डांटो तो तकलीफ, ना डांटो तो भी तकलीफ। वही बापूजी, तो अभी माँ बाप करे तो क्या करे, उनके दोस्त बन जाओ, उनको भरोसा दिलाओ कि तुम लोग सिर्फ उनके माँ बाप नहीं, उनके दोस्त भी हो, ताकि उनको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो सबसे पहले वो लोग आपके पास आए, उनके जीवन में कोई भी समस्या हो तो वो सबसे पहले आपसे बात करें। बिल्कुल आपकी तरह नहीं बापूजी, जब मैं कोई गलती करता हूँ तो आप मुझे डांटते हैं, लेकिन फिर प्यार से समझाते भी है, बराबर ना?
समझ गया बापू जी, मैं बराबर समझ गया। अभी पहले जाके हम बच्चों को खूब डांटते हैं और फिर उनको प्यार से समझाते हैं, बराबर के नहीं? चलो चलो। ए रुक जा बब्बू चक। अरे मैं अभी के अभी डांटने की बात नहीं कर रहा हूँ जेठिया। अरे बच्चे हैं, गलती तो करेंगे ही ना। गलती तुम लोग भी करते हो, मैं भी करता हूँ। अरे हम सब इंसान हैं, कोई भगवान थोड़ी है कि हमसे गलती ना हो। मानस मात्र भूलने पात्र। पात्र ये मतलब चाचा जी? अरे पात्र नहीं, पात्रा पात्रा की बात कर रहे हैं। वो खाने वाली चीज नहीं होती है, गोल गोल जो बहुत टेस्टी होती है, है ना चाचा जी? अरे नहीं नहीं आती ना वो। सॉरी, टू एयर इज ह्यूमन। चाचा जी के कहने का मतलब है कि अगर हम इंसान है तो गलतियां तो करेंगे ही। हाँ इंसान है तो गलती तो होगी। हाँ ये भी सही बात है। और हाँ एक बात जरूर कहूंगा कि आपको कब उनका दोस्त बनना है और कब माँ बाप, ये आपको तय करना है, क्योंकि उनको डांटना भी है और समझाना भी, समझे? चाचा जी तुसी ते लखा करोड़ा दी गल कर दी थी। ओ आज से मैं गोगी पुत्र का पियो होने के साथ साथ उसका दोस्त भी हूँ। सही बात है, बच्चों के साथ साथ हमें भी समझना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। यस बिल्कुल बिल्कुल बापू जी, आपकी ये बात अभी हम लोग हमेशा हमारे दिमाग में फिट करके रखेंगे। थैंक यू बापू जी, थैंक यू। हाँ अच्छा जी, आपके आशीर्वाद की जरूरत तो हम सबको है। ओ यारो आज से ही चाचा जी की बात पर अमल करेंगे। बिल्कुल। चलिए भाई, आज का दिन गोकुल धाम में निराला और कमाल का बीता है तो रात भी बड़ी सुहानी होगी। मेहता साहब, ये मुस्कुरा मुस्कुरा के किस विषय पे लिखा जा रहा है हमें भी तो बताइए। अरे भाई आज गोकुल धाम में जो कुछ बीता, जितनी घटना हुई, उनका एक धागा बनाया और उन्हीं को धागा बनाते हुए एक आर्टिकल लिख रहा हूँ। और इसका शीर्षक सुनो, रिश्तों का इंद्रधनुषी रंग। कैसा लगा? बहुत सुंदर, सुशील, सुहाना। क्या लिखा है बताइए। जो कुछ हुआ, कितना कुछ हुआ ना आज गोकुलधाम सोसाइटी में। सखाराम का पहले गायब हो जाना, मतलब बच्चों का ले जाना, उसमें स्कूटर चलाना सीखना, भिड़े का नाराज होना, भिड़े का सखाराम से लगाव, फिर पोपटलाल और भिड़े का झगड़ा होना, उन दोनों का मिलाप होना, भिड़े को संभालने के लिए हम लोगों का मशक्कत करना, झूठ बोलना, टपू सेना का डरना, लेकिन फिर टपू सेना का हिम्मत के साथ सबके सामने सच बोलना, भिड़े का बड़े दिल के साथ सबको माफ कर देना, और फिर ये रस पूरी का आनंद मजा, फिर चाचा जी का हम सबको समझाना कि बच्चों को दोस्त बना के रखना चाहिए, कितना कुछ हुआ, सब कुछ है ना गोकुलधाम, सब कुछ। ऑफ कोर्स, एक बात बताऊं, मुझे अपनी गोकुलधाम सोसाइटी पे गर्व तो बहुत ही था, लेकिन आज आपकी इतनी सारी बातें सुन के गर्व और बढ़ गया। अरे बढ़ना ही चाहिए अंजलि, भाग्यशाली लोगों को मिलती है ऐसी सोसाइटी रहने के लिए। कितना कुछ है ना यहाँ, एकता है, प्यार है, सुख है, शांति है, थोड़ी बहुत शरारतें भी है, मस्ती भी है, सच है तो थोड़े बहुत झूठ भी है, थोड़ी बहुत बहसबाजी भी है, लेकिन जीवन का हर रंग है यहाँ। सब कुछ सब कुछ सब कुछ, रिश्तों का इंद्रधनुषी रंग, अपनी गोकुलधाम सोसाइटी। बिल्कुल। वैसे आज देखा जाए ना तो सबसे निराला रंग था अपने भीड़े भाई का, इतनी परेशानी में भी उन्होंने अपने आप को कितना अच्छे से संभाला। यार ये कमाल कर रही हो अंजलि भाई, उन्हें संभालने का थोड़ा बहुत श्रेय मुझे नाचीज को भी दीजिए भाई, कितनी मेहनत की है मैंने जेठालाल ने छोड़ी डॉक्टर हाथी ने संभालने के लिए। एकदम गलत बात है, आप लोगों ने तो उनको पट्टी पढ़ाई है। अरे भाई परिस्थिति कुछ ऐसी थी अंजलि, लेकिन भिड़े भी बड़े दिल वाला है, सभी को माफ कर दिया। एक्चुअली सो स्वीट ऑफ हिम। इस सारी बात में तारक, माधवी भाभी और सोनू, उन लोगों को तो यहाँ क्या हुआ पता ही नहीं है। रात को जब वो लोग लोनावाला वाटर पार्क से वापस लौटेंगे तो न जाने क्या होगा। पर कुछ भी कहो, बहुत मजा आया भोपिया। ताई परत भोपिया, आशुतोष। फैमिली के साथ ऐसे ही बाहर जाने का प्रोग्राम बनाते रहना चाहिए, है ना? हाँ, नेक्स्ट टाइम हम कोई एडवेंचर रिसॉर्ट में जाएंगे। यस, जीजू के साथ। थैंक यू मामा, थैंक यू मामी, आज बहुत मजा आया। अगर थैंक यू का ही है चार। चलो अभी चलते हैं, आप लोग संभल के जाना और फोन करना। हाँ हाँ। अरे संभल के जाना मतलब क्या, घर पे लेने आए थे तो घर तक छोड़ेंगे ना, और वैसे भी जीजू को मिले बगैर जाऊंगा तो उनको बहुत बुरा लगेगा। हाँ।
अरे उनको बताना क्या क्या मिस किया उन्होंने, पारद का पंडित ना धपाक वाटर इज द बेस्ट। थम 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 बेल्लो को मारू, चाबी दे। देखते ना जीजू क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कि सो रहे हैं, अचानक अंदर जाते और डरा देते हैं। ए भूपिया, दिन भर इतनी मस्ती की, अभी भी मस्ती सूझ रही है तुझे? कमाल है। अगर ताई थोड़ी अजून मस्ती कर, दे 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 चावी दे। काय ना तुझा नवरा? अगर ताई दे का चावी, मजा येईल। अरे बघ, दे दे। काय आहात ना तुम्ही? अगर मजा येईल, दे दे दे। भूपिया तरी जीजू काय करता है? तुम लोग कब आए? जब आप पांडुरंग कर रहे थे ना तब आए। क्या बात है ताई, आपके एक दिन की जुदाई में जीजू तो भजन पर उतर आए। आहो, सब ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। तो आप भजन क्यों गा रहे थे? नहीं, वो तो ऐसे ही मन को शांति चाहिए थी इसलिए भजन कर रहा था। ऐसा क्या हुआ है जो आपका मन अशांत है? हाँ, और ताई भी घर पे नहीं थी। ए कबरे भूपिया। और आशुतोष, आपने धमाल की कि नहीं? हाँ, बहुत ज्यादा एंजॉय किया, पूरा धमाल। हमने तो सारे राइड्स एंजॉय किए। पर जीजू, नेक्स्ट टाइम आपको आना ही पड़ेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ पक्का आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। अरे डोंट वरी मधुरा, नेक्स्ट टाइम जीजू नहीं आए ना और सोते रहे ना, तो उनको हम गोद में उठा के लेके जाएंगे। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं आऊंगा, पक्का आऊंगा। गुड, चलो फिर चलते। अरे क्या चलते आशुतोष, बैठो बैठो, अरे गप्पे मारते हैं मस्त बेकी। हाँ ठीक है, आई एम रेडी। अरे क्या रेडी हूँ जीजू, आज हम लोग सब बहुत थक गए हैं और बहुत लेट भी हो गया है, हम गप्पे मारने फिर कभी आ जाएंगे। हाँ तो अभी चलते हैं। सब संभल कर जाना और घर पहुँचते ही मैसेज कर देना मधुरा। बाय 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 निंजा। वाह बाबा, अरे काय झालं बाळा? मैंने आज आपको बहुत मिस किया, आप क्यों नहीं आए? पता है वहाँ पे इतनी अमेजिंग राइड्स थी ना, एक राइड ऐसी जिगजैग वाली राइड थी, उसमें पूरा पानी था और ऐसी जुप 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 जुप, और एक राइड थी जो ऐसे धीरे 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 ऊपर जाती और फिर जुप करके पानी में। अरे हलू हलू पानी उड़ा मजा अंग करती। बाबा आप बताइए, आपने क्या किया, आराम किया या भागदौड़ हमेशा की तरह? हाँ मैंने भी पूरा दिन धमाल की, भजन कीर्तन गाए। चलो आप दोनों थक गए होंगे, नहीं जाके सो जाते हैं। चल चल। एक मिनट, हमारी शादी को कितने साल हुए? क्या मतलब? मतलब आप इतना जो भजन गा रहे हो, क्या बात है जो छुपा रहे हो? कुछ नहीं माधवी। आहो, आपकी आंखें यहाँ से वहां होती है ना, तो भी मुझे पता चलता है कि कुछ तो हुआ है। और आज तो आपने दिन भर धमाल मस्ती, विठल विठल भजन भजन, क्या हुआ है? नक्की कहीं तेरी गड़बड़ा है, बताइए क्या बात है? माधवी, जो बात भुलाने के लिए मैं भजन गा रहा था, तुम फिर से उसी को याद दिलाना चाहती हो? ओगो भाई, मतलब कुछ हुआ है? क्या हुआ है, क्या भुलाना चाहते हैं आप, बताइए ना। जितना जाके सोते हैं। ओ बताइए ना। देखिए जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक मुझे नींद नहीं आएगी। प्लीज बताइए क्या हुआ है। बताइए बाबा, अभी मुझे भी टेंशन हो रहा है, बताइए क्या हुआ है। बताइए ना। ठीक है बताता हूँ, आओ बैठो बैठो बैठो। बताता हूँ भाई, इतना कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी सब ठीक हो गया है। मुझे भी टेंशन आया था, लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा भजन गा लिया तो अभी अच्छा लग रहा है, हल्का लग रहा है। लेकिन हुआ क्या था वो तो बताइए। ये आइडिया, अभी जो कुछ भी हुआ ना, मैं तुम लोगों को भजन के सुर में सुनाता हूँ। पर सांगा सांगा कसे ही सांगा, लवकर सांगा। धिंदा धिंदी दांते ता ते ते ताक, धिंदा धिंदी दांते ता ते ते ताक, सुबह जब उठा तब सखाराम नहीं था, सुबह जब उठा तब सखाराम नहीं था, चारों तरफ देखा फिर भी सखाराम नहीं था, सबको मैंने पूछा पर सखाराम नहीं था, बहुत भाग दौड़ की पर सखाराम नहीं था। अरे बापरे, जेठालाल ने पोपटलाल पर मजा का इल्जाम लगाया, मैंने पोपटलाल को फिर श्रादी का श्राप दिया।
आपने ऐसा किया? हाँ, पोपटलाल पर लगा इल्जाम सखाराम उसके पास है। मैंने सोचा आने दो पोपटलाल को, देखते हैं क्या बात है। फिर क्या, पोपटलाल आया, झगड़ा किया, डांटा, पूछा सखाराम कहाँ है। पोपटलाल ने बताया कि उसको तो मालूम ही नहीं है। तो फिर सखाराम कहाँ था? बताता हूँ सोनू, बताता हूँ। धिंदा धिंदे दांग तिकता तिक तिक, धिंदा धिंदे दांग तिकता तिक तिक, चिंता हुई, टेंशन हुआ, सखाराम नहीं था। फिर एक ऐसी बात हुई जिसका अंदाजा नहीं था। क्या? गेंदा छाप हेलीकॉप्टर आयुर्वेदिक तेल। हाँ, वो सेल्समैन आया, उसने बताया कि तेल टप्पू को बेचा। फिर मुझे टप्पू पर शक हुआ। धिंदा धिंग दिदांग तेकता तेकते तक, धिंदा धिंग दिदांग तेकता तेकते तक, टप्पू को सवाल पूछे चाचा जी के सामने। सखाराम चोरी हुआ बताया सबके सामने, सखाराम चोरी हुआ बताया सबके सामने। चोरी? पुलिस स्टेशन जाने का जोरदार नाटक हुआ। फिर उसी नाटक में नटू काका ज्योतिष टुन बाबा बनकर आगमन हुआ। भाई भाई, भाई कमाल है। फिर क्या, सखाराम वापस आ गया, मैं तो खुश हो गया। मुझे लगा कि टुन बाबा की भविष्यवाणी सच साबित हुई, लेकिन नहीं, ये भविष्यवाणी नहीं थी, टप्पू सेना की कारस्थानी थी, षड्यंत्र था मेरे खिलाफ। फिर इस तरह से अंत भला तो सब भला, सच्चे का बोल बाला, झूठे का मुंह हमेशा काला। बोला सखाराम आया, सखाराम आया, सखाराम आया, सखाराम आया। आज इतना कुछ हो गया? हाँ, पूरा दिन इसी में गया माधवी। पर टप्पू को स्कूटर सीखने की जरूरत क्या थी? हाँ बेटा, उस दिन वो टैक्सी और रिक्शा की स्ट्राइक थी ना, और उसी वक्त बबीता जी को और चंपा चाचा को बाहर जाना था, लेकिन स्ट्राइक की वजह से बाहर जा नहीं पाए। तो टप्पू को लगा कि उन लोगों को स्कूटर चलाना सीख लेना चाहिए, वैसे भी वेकेशन चल ही रहा है तो स्कूटर सीख लेते हैं। इन शॉर्ट ये सब टप्पू का किया कराया है। इस तरीके से? हाँ? आने दो उसको, इतना डांटूंगी ना उसको। ओ ओ ओ, ओ राउदिया, तुम्हारा डांटना मुझे मालूम है। टप्पू बाड़ा ऐसा नहीं करने का, ऐसे कोई करता है क्या? इतना डांटना है तुम्हारा उसको, जितना डांटना था मैं डांट चुका हूँ। उन लोगों को मैंने सजा भी दी है। सजा? क्या सजा बाबा? उनको मैंने कहा कि खुद का एक वीडियो बनाओ जिसमें ये कन्फेस करो कि हमने जो कुछ भी किया वो गलत है, आइंदा से हम लोग ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, बिना लाइसेंस के गाड़ी कभी नहीं चलाएंगे। और मैंने बोला कि उस वीडियो को सोशल मीडिया पे वायरल कर दो ताकि सबको सीख मिले। वेरी गुड, टप्पू सेना को इस बात के लिए सजा मिलनी ही चाहिए। चलो अभी जो हुआ सो हुआ, आप लोग भी थक गए होंगे, चलो चलकर सो जाते हैं। मीका घंटे, आज भी आपको तेल मालिश की बहुत जरूरत है, उसी तेल से। कल रात आप इतने अच्छे से सोए थे, लेकिन आज का पूरा दिन टेंशन में गया, क्या फायदा हुआ? इसलिए आज मस्त पैकी वापस तेल मालिश करके देती हूँ, आप अच्छे से सोइए। हाँ नहीं नहीं, हम लोग अभी कुछ अलग करते हैं। आज मैं सोनू की और तुम्हारी उसी तेल से मालिश करता हूँ। दोस्ती, मित्रता, फ्रेंडशिप, एक ऐसा रिश्ता जहाँ तर्क वितर्क की कोई गुंजाइश नहीं होती, और टप्पू सेना की दोस्ती तो एक मिसाल है। लेकिन ये मिसाल अब मिसाइल का रूप ले रही है, क्योंकि गोगी, गोली और टप्पू ने स्कूटर सीखने वाली बात सोनू से छिपाई और सोनू को पता चल गया। अब क्या करती है सोनू, और ये टप्पू, गोली और गोगी किस तरह से सोनू का सामना करते हैं। और एक चुनौती और है टप्पू, गोली, गोगी के लिए। आप तो जानते ही हैं, भिड़े ने सजा दी है उन्हें वो वीडियो वायरल करने की जिसमें वो अपनी गलती स्वीकार करें। तो भिड़े ने कोई सजा दी है तो इस तरह की सजा दी होगी जिसमें कोई ना कोई सीख जरूर छिपी होगी। इसलिए आपके लिए, आपके बच्चों के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सबक है जो आपको सीखना भी है, आपको देखना भी। और हाँ मित्रों, एक विशेष बात, कल 31 मई है, यानी कि नो टोबैको डे। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप व्यसन से दूर रहें। आप व्यसन से जितना दूर रहेंगे, खुशियां आपके परिवार के उतने ही नजदीक रहेंगी। किसी भी तरह का व्यसन जीवन के लिए भी और जीवन की खुशियों के लिए भी घातक है। अब यहाँ देखना यह है कि किस तरह से टप्पू, गोली और गोगी करते हैं सोनू का सामना, किस तरह से अपनी सजा वाला वीडियो बनाते हैं। जानने के लिए बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.